हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू मिस यूट्यूब हिंदी चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ शॉर्ट वर्ड के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी जगहों पे जो है चैटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर जो है आप मैसेजिंग में भी शॉर्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुछ शॉर्ट वर्ड के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखा था, जैसे कि TYSM हो गया, F9 हो गया, W8 हो गया। तो कुछ शॉर्ट वर्ड के बारे में जो है हम लोग पिछली वीडियो में देखा था, उसके आगे कुछ शॉर्ट वर्ड जो है हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी बात कहना चाह रहे हैं, वो ये है कि फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आपको लगे कि चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने आज के टॉपिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला शॉर्ट वर्ड है वो है LOL। जैसा कि आप जानते होंगे, कई जगह आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा LOL का क्या मतलब होता है, आप चैटिंग में जरूर देखे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, LOL का मतलब कुछ नहीं होता है। अब कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं होता है, मतलब जब हम LOL को एक साथ लेके चलेंगे तो LOL का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। तो कैसे इसको हम लोग समझेंगे, तो इसे हम लोग अलग अलग करके समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट L होता है, इस L का मीनिंग होता है लॉफ, O का मीनिंग होता है आउट और लास्ट L का मतलब होता है लाउड। यानी कि जब हम इसे एक साथ मिला के रीड करेंगे तो क्या होगा, लॉफ आउट लाउड, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, जोर से हंसना। या फ्रेंड्स, जैसे अब इसका यूज कहाँ पर करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज ऐसी है जिसे देखकर या फिर कि किसी बात को सुन के आपको बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, आप बहुत ज्यादा हंसना चाह रहे हैं, हंस रहे हैं, तो आप वहां पर जो है हंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये उसे रिप्लाई दे सकते हैं LOL, यानी कि लॉफ आउट लाउड। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड भी हमारा LOL ही है, यानी कि LOL का दो मीनिंग होता है। फर्स्ट मीनिंग हम लोगों ने देखा, सेकंड मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर भी इसे हम लोग अलग अलग करके देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट L होता है, फर्स्ट L का मतलब होता है लॉर्ड्स, O का मीनिंग होगा ऑफ और लास्ट L का मीनिंग होगा लव। यानी कि जब हम इसको एक साथ रीड करेंगे तो क्या होगा, लॉर्ड्स ऑफ लव, यानी कि लॉट्स ऑफ लव का हिंदी मीनिंग होता है बहुत सारा प्यार। तो अब इसका यूज कहाँ पर करेंगे, तो फ्रेंड्स, इसका यूज आप वहां पर कर सकते हैं जहां पर आप किसी को बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, उसे बहुत सारा प्यार प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसे कहना चाहते हैं कि बहुत सारा प्यार, यानी कि आप उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप उसे LOL रिप्लाई में दे सकते हैं, यानी कि लॉट्स ऑफ लव, यानी कि बहुत सारा प्यार। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट वर्ड है AMA। AMA ये भी एक शॉर्ट वर्ड है, बहुत स्मार्ट वर्ड है, इसका मीनिंग बहुत कम लोग जानते हैं। तो AMA का मतलब क्या होता है, तो इसका भी जो है एक साथ अगर हम रीड करें तो कोई भी मीनिंग नहीं होता है, इसे भी हम लोग जो है अलग अलग करके देखते हैं। तो फर्स्ट A का मीनिंग होगा हमारा आस्क, M का मीनिंग होगा मी और A का मीनिंग होता है एनीथिंग। यानी कि जब हम इसको एक साथ मिला के रीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आस्क मी एनीथिंग, और इसका हिंदी अर्थ हो जाता है मुझसे कुछ भी पूछो। अब इसका यूज कहाँ पर करेंगे, तो फ्रेंड्स, इसका यूज आप वहां पर कर सकते हैं जैसे जहां पर आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में हैं और आप उसे ये कहना चाहते हैं कि आप हमसे कुछ भी पूछो, यानी कि मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, या फिर आपका फ्रेंड ही है, आप अपने फ्रेंड से कहना चाहते हैं कि मुझसे कुछ भी पूछ लो, हम सब बता देंगे, यानी कि हमसे सब कुछ, यानी कि हमसे कुछ भी पूछो, यानी कि इसके लिए हम उसे ये रिप्लाई दे सकते हैं AMA, यानी कि ask me anything। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ वर्ड देखा। इसी तरीके से बहुत सारे आपके स्मार्ट वर्ड होते हैं जो कि चैटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कुछ और भी वर्ड हम लोग देखेंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।